हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल मंडी का दौरा करेंगे, कल से मंडी के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय मंडी का दौरा रहने वाला है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और मंडी में कल अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे सीएम। और सीएम बनने के बाद पहली बार मंडी जाएंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिवरात्रि अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का शुभारंभ भी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 दिवसीय मंडी के दौरे पर हैं, और ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी साझा करने के लिए हमारे शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। बातचीत के लिए उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप ठाकुर, देखिए मंडी का 3 दिवसीय दौरा है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का, क्या कुछ आने के साथ साथ एक बड़ी सौगात भी ला सकते हैं क्या मंडी के लिए, क्योंकि पहली बार आ रहे हैं सीएम बनने के बाद? बिल्कुल, देखिए मंडी का जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शिवरात्रि मेला है, 7 दिनों तक ये चलता है और इसकी शुरुआत कल होने वाली है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसमें हिस्सा लेंगे। यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, जलेब निकाली जाती है, देवी देवता घाटी की आते हैं उसमें भी मुख्यमंत्री जाएंगे, और साथ ही जो यहाँ के अधिष्ठाता देवता है माधव राव उनके पास भी शीश नमन करेंगे। फिर उनके साथ साथ जो महादेव का मंदिर है वहां पर भी, भूतनाथ मंदिर है वहां पर भी जाएंगे। तो यहाँ पर शिवरात्रि महोत्सव जो है कल उसकी शुरुआत होनी है, और संभावना यही है कि आज शाम को मुख्यमंत्री मंडी पहुंच जाएंगे और कल इस कार्यक्रम में शुभारंभ होता है, वहां पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं। और परसों मुख्यमंत्री ने शिमला लौटना है, जो पहली सांस्कृतिक संध्या है कल की, उसमें भी मुख्यमंत्री ने हिस्सा लेना है। जी ठीक है प्रदीप ठाकुर, बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का तो शुभारंभ करेंगे, इसके साथ साथ और क्या कुछ प्रमुख कार्यक्रम रहने वाले हैं 3 दिवसीय दौरे के दौरान? बिल्कुल, देखिए प्रमुख दौरा उनका कल का ही रहने वाला है। अच्छा। हालांकि आज शाम को मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे और वहां पर लोगों के साथ मिलेंगे भी, लोग अपनी समस्याएं लेकर भी आएंगे। कल क्योंकि मेले का कार्यक्रम पूरा रहेगा और सांस्कृतिक संध्या रहेगी, और देखना ये होगा कि वहां पर मंडी के लिए क्या बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री जब मंच से संबोधित करेंगे शिवरात्रि मेले की सांस्कृतिक संध्या में, तो उसमें क्या लोगों को सौगात यहाँ पर दी जाती है। हालांकि मुख्यमंत्री एक बात जरूर कहते आए हैं, और अब तक भी कोई बड़ी घोषणा जब तक की सरकार बनी है तो फील्ड में जाकर कोई बड़ी घोषणाएं नहीं की हैं, और इसकी पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि बजट सत्र के दौरान बजट में बहुत सारी बातें सामने आनी है, लेकिन जब जनता को संबोधित करते हैं यहाँ पर देवी देवताओं का, देवी देवता जो आते हैं उनको नजराना हर साल दिया जाता है, तो क्या उसमें बढ़ोतरी होती है कि बाकी जो भजंतरी वहां पर होते हैं ये तमाम चीजें उनको भी जो है सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं, तो उसमें क्या मुख्यमंत्री वो कहते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कल का दिन क्योंकि पूरा मेले का दिन रहेगा, देवी देवताओं के पास दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री भी, और जो मंडी की शिवरात्रि है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, और घाटी के तमाम बड़े देवी देवता यहाँ पर पहुंचते हैं। आज भी मंडी में काफी ज्यादा रौनक है, जो घाटी के अलग अलग क्षेत्रों से देवी देवता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी पालकियां यहाँ पर पहुंची हैं, और जो घाटी के एक और प्रमुख देवता है देव कमरूनाग सबसे पहले वो मंडी शिवरात्रि में पहुंचते हैं, तो पिछले कल वो वहां पर पहुंचे। माधव राय मंदिर में गए, भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर है, और वहां पर जो है वहां से इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं कि शिवरात्रि की होती है। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है कल का रहने वाला है, और परसों मुख्यमंत्री शिमला लौट आएंगे। ठीक है प्रदीप ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत किए आपने। तो सीएम बनने के बाद पहली बार मंडी के 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, और देखना होगा कि क्या कुछ बड़ी सौगात अपने साथ लेकर आएंगे, क्योंकि पहली बार मंडी का दौरा कर रहे हैं और 3 दिवसीय दौरा रहने वाला सीएम बनने के बाद पहली बार।